आत्मनिर्भर भारत स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम। इस वीडियो में हम आपको आत्मनिर्भर भारत स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम योजना के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। यदि आपको कोई सवाल है तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, जल्दी ही आपको आपके सवालों की प्रतिक्रिया मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी पहल है जो भारत में बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए डिजाइन की गई है। इस कार्यक्रम के तहत रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने से उत्पादकता, स्थिरता और निर्यात क्षमता में सुधार होगा। यह किसानों की आय में वृद्धि, ग्रामीण आजीविका में सुधार और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। आत्मनिर्भर भारत स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम के उद्देश्य: बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना। आत्मनिर्भर भारत स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम में फसल की पैदावार बढ़ाना, जलवायु चीली किस्मों को बढ़ावा देना और सक्रिय वायरस और रोग नियंत्रण उपायों के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करना। आत्मनिर्भर भारत स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम में उत्पादकता, स्थिरता और निर्यात क्षमता में सुधार करना। आत्मनिर्भर भारत स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम के मुख्य घटक: देश भर में एक आधुनिक स्वच्छ संयंत्र केंद्रों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। ये केंद्र ऊतक संवर्धन और सूक्ष्म प्रवर्धन जैसे उन्नत तकनीकों का उपयोग करके रोग मुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन करेंगे। किसानों को रोग मुक्त रोपण सामग्री का उपयोग करने और पौधे रोगों का प्रबंधन करने के सर्वोत्तम प्रथाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम अनुसंधान और विकास में निवेश करेगा ताकि नए रोग प्रतिरोधी किस्मों की पहचान और विकसित की जा सके। एक मजबूत बाजार लिंकेज प्रणाली स्थापित की जाएगी ताकि किसानों को रोग मुक्त रोपण सामग्री को सुचारू रूप से और सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराया जा सके। आत्मनिर्भर भारत स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम के लाभ: रोग मुक्त पौधे स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत और उत्पादक होते हैं, जिससे उच्च पैदावार और किसानों की आय में सुधार होता है। इस कार्यक्रम का मुख्य ध्यान उन तकनीकी और कृषि तत्वों पर है जो किसानों को आधुनिक जलवायु परिवर्तनों के साथ बदलते मौसम पैटर्न के साथ रहने में मदद करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करके भारतीय बागवानी उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा, जिससे निर्यात बढ़ेंगे और किसानों और उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। बढ़ी हुई पैदावार और आय से किसानों और उनके परिवारों के लिए बेहतर जीवन स्तर में सुधार होगा। बढ़ी हुई उत्पादन बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। कार्यक्रम स्वच्छ रोपण सामग्री के उत्पादन, वितरण और विस्तार सेवाओं सहित क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा करेगा। आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम में लाभार्थी: सभी प्रकार के किसान, जिनमें छोटे, सीमांत और महिला किसान शामिल है। बागवानी उद्यमी, बीज और रोपण सामग्री के विक्रेता, बागवानी सेवा प्रदाता और निर्यातक। आत्मनिर्भर भारत स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम में किसानों के लिए शर्तें: किसान का बैंक खाता होना चाहिए, किसान के पास बागवानी भूमि होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम में बागवानी उद्यमी के लिए शर्तें: उद्यमी का व्यवसाय पंजीकरण होना चाहिए। आप भी इस योजना का लाभ ले और अपनी फसल और आय को बढ़ाए। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस योजना की सारी जानकारी योजना से संबंधित वेबसाइट से ली गई है। किसी भी प्रकार की जानकारी में बदलाव की स्थिति में शबला सेवा किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। योजना की लिखित जानकारी और वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हमारे अगले वीडियो में आप अगर किसी भी प्रकार के फल, फूल, सब्जी, अनाज या सरकारी योजना के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिखें, ताकि हम आपको उसका भी जानकारी दे सके। आप शला सेवा की मदद कैसे ले सकते हैं?
आप हमारी विशेषज्ञ टीम से खेती के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे संस्थान के माध्यम से आप बोने के लिए उन्नत किस्म के बीज प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.shublasevasansthan.com पर जाकर जानकारी प्राप्त करें, अथवा हमारे नंबर 9335045599 पर संपर्क करें। धन्यवाद।